राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 1 जून 2023 से हम लोगों ने ये यात्रा वाराणसी से शुरू किया है। ये यात्रा हम लोगों को क्यों शुरू करना पड़ रहा है, ये यात्रा हम लोगों को क्यों चलाना पड़ रहा है, इसके पीछे का क्या मकसद है, ये बात जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, देश की आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल की आजादी के बाद देश में आजादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है। सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि देश में अमृतकाल चल रहा है। एक तरफ आजादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो देश की सबसे बड़ी आबादी है, जिसे ओबीसी कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, वो लोग इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर हमारी गिनती नहीं होती है। एक तरफ आजादी का अमृतोत्सव और दूसरी तरफ देश में सबसे बड़ी आबादी को इस बात के लिए यात्राएं चलानी पड़ रही है, धरना करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, रैली निकालना पड़ रहा है, भारत बंद का आह्वान करना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर हमारी गिनती नहीं होती। एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरी तरफ देश में किसी की हत्या घड़ा छूने की वजह से हो जाती है, किसी को मूछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, किसी को घोड़ी पर बैठने की वजह से पीट दिया जाता है और किसी की हत्या जय भीम बोलने की वजह से हो जाती है, ये भी देश में चल रहा है। और एक तरफ देश में आजादी का अमृतोत्सव भी मनाया जा रहा है, एक तरफ आजादी का अमृतोत्सव और दूसरी तरफ कुछ लोगों को चौराहे पर पीट लिया जाता है और कहा जाता है ये तो इस चीज का मांस ले जा रहे थे, उस चीज का मांस ले जा रहे थे और उनको पीट लिया जाता है, ये भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जज के सामने ही गोली चल गई, हत्या हो गई लखनऊ में। लोगों ने बताया कि जज साहब भी जो उनका मेज था उसके नीचे छुप गए जब गोली चली, तो भी क्या करें जज साहब, जज साहब तो न्याय देने के लिए बैठे हैं लेकिन देश में बहुत सारे लोग जो देश और प्रदेश की सरकार चला रहे हैं वो इस बात पर ताली बजाने के नाम पर लगे हुए हैं कि अब जज साहब की क्या जरूरत है, हम ही फैसला कर ले। और हमारे भी बहुत सारे लोग ताली में ताली बजाने का काम कर रहे हैं। देश में हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी जिसकी वजह से ये संवैधानिक व्यवस्था आई और इस संवैधानिक व्यवस्था की वजह से देश में एक सिस्टम कायम हुआ कि कोई अपराध करेगा तो क्या होगा, केस चलेगी, सजा होगी। लेकिन किस बात पर ताली बजवाया जा, पुलिस किसी को भी ठोक देती और लोगों से ताली बजवाई जाती, ओबीसी के लोगों को भी कम नहीं फर्जी एनकाउंटर का शिकार बनाया गया। तो सवाल यह है देश में चल क्या रहा है, और जो देश में चल रहा है अगर उसके खिलाफ हम खड़े नहीं होंगे, उसके खिलाफ हम बोलेंगे नहीं, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे नहीं, तो कल किसी के और के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि देश में क्या चल रहा है, क्या देश को संविधान के हिसाब से चलाने की कोशिश हो रही है या देश को अपने हिसाब से कुछ लोगों द्वारा चलाने की कोशिश हो रही है, इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन देश की जो अखबार है, देश की जो टीवी है, देश की जो मीडिया है, वो आपको ये बातें जानने समझने देना नहीं चाहती।
देश के अखबार और टीवी को इस बात पर दिन रात खबर चलाने की फुर्सत है कि बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार करता है कि नहीं कर सकता है, इस पर खबर चलती है, इस पर डिबेट होता है। अरे कोई चमत्कार अगर करने लायक है तो कर देगा, तो सबको पता चल जाएगा हो गया। अरे देश में बहुत सारे लोगों के पास घर ही नहीं है, छप्पर में रहते हैं। अगर बाबा चमत्कार कर दे और रात में लोग सोए और सुबह उठे देखा हमारा घर 3 मंजिले का खड़ा हो गया, तो बताने की जरूरत पड़ेगी चमत्कार होता है? मीडिया पर डिबेट करने की जरूरत पड़ेगी चमत्कार होता है? अरे रात में सोया छप्पर में और सुबह उठा तो 3 मंजिला बिल्डिंग में सोया हुआ है, ऐसे ही मान लेगा चमत्कार होता है? लेकिन देश की मीडिया को ये दिखाने की फुर्सत है कि बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन 52% ओबीसी की गिनती नहीं होती, इस पर डिबेट करने की फुर्सत देश की मीडिया के पास में नहीं। भारत में लोग बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, इस पर डिबेट करने की चर्चा का टाइम भारत की मीडिया के पास में नहीं। लेकिन पाकिस्तान में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, इस पर जरूर खबर दिखाने का टाइम भारत की मीडिया से है। खाते यहां की है, गाते पाकिस्तान की है। मीडिया वाले खाते यहां की है और खबर पाकिस्तान की दिखाते हैं। बांग्लादेश में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, ये खबर दिखाई जाती है। श्रीलंका में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, ये खबर दिखाई जाती है। भारत के लोग किस स्थिति में है ये खबर दिखाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की ही खबर दिखाने से हम लोग खुश हो जाते हैं, तो हमारी खबर दिखाने की क्या जरूरत? क्योंकि वो तो जानते ही कि हमारा जो आदमी है मूल्यवासी समाज का, वो अपने सुख से उतना सुखी महसूस नहीं करता है जितना पड़ोसी के दुख से अपने को सुखी महसूस करता है। जब उसको पता चल जाता है पाकिस्तान में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, तो हमारे यहाँ का आदमी अगर एक टाइम भी खाने को मिले तो कहता है एक टाइम तो मिल रहा है, वहां तो भुखमरी से मर रहे, वो खुश हो जाता है। पाकिस्तान मर रहा है इसलिए हम खुश होते हैं, और हम खुश होते हैं तो हम अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं जिसको हमने बनाया है, जिसको हमने चुना है। तो आप अपनी सरकार से सवाल ना पूछे, इसलिए देश में पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है, बांग्लादेश के बारे में बताया जाता है, श्रीलंका के बारे में बताया जाता है, ताकि आप अपनी सरकार से सवाल ना पूछे। तो ये जो खेला चल रहा है ये सबको समझ में नहीं आता, मगर कुछ लोगों को तो समझ में आता ही है। अब उस समझ में आने वाले लोगों में से हम लोग भी हैं, जिनको मीडिया का ये खेला समझ में आता है, मगर अब हम बोलते हैं कोई बात तो टीवी चैनल तो दिखाता नहीं है। हम कोई बात बोलते हैं तो टीवी चैनल नहीं दिखाता है। तो टीवी चैनल नहीं दिखाएगा तो हमारी बात हमारे लोगों तक कैसे पहुंचेगी? और अगर हमारी बात हमारे लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो टीवी चैनल से जो बात हमारे लोगों तक पहुंचेगी उस पर ही हमारे लोग चर्चा करेंगे चट्टी चौराहे पर बैठकर, और जब जो बात टीवी चैनल वाले पहुंचाएंगे उस पर हमारे लोग चर्चा करेंगे, तो जो हमारी समस्या है उसका क्या होगा? समस्या हमारी ये गिनती नहीं हो रही, समस्या हमारी है हमको संख्या के अनुपात में हिस्सा मिलना चाहिए, समस्या हमारी है हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, समस्या हमारी है हमको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, समस्या हमारी है हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, समस्या हमारी है कि हम जो खेती में पैदा कर रहे हैं उसका उचित मूल्य हमको नहीं मिल रहा है, ये हमारी समस्या है। मगर ये जो हमारी समस्या है इसकी चर्चा जब टीवी में नहीं होती तो हम लोग भी इसकी चर्चा नहीं करते हैं। टीवी में पाकिस्तान की चर्चा होती है तो हम पाकिस्तान की चर्चा करते हैं, टीवी में बांग्लादेश की चर्चा होती है तो हम बांग्लादेश की चर्चा करते हैं, टीवी में श्रीलंका की चर्चा होती है तो हम श्रीलंका की चर्चा करते हैं। हमारे ऊपर कौन सी आफत विपत आई है इसकी चर्चा हम नहीं करते।
और लोकतंत्र में जब हमारी बात की चर्चा ही नहीं होगी, हमारी समस्याओं की चर्चा ही नहीं होगी, तो समाधान कैसे होगा? अरे अब वो जमाना तो चला गया जब कुछ बहादुर लोग इकट्ठा होते थे तो तलवार बंदूक की व्यवस्था करते थे और राजा के ऊपर चढ़ाई कर देते थे और राजा को हरा देते थे, राजपाट कायम कर लेते थे, तो आसान काम था। अब आ गया लोकतंत्र, अब यहां बोली तो चलती नहीं है, बोली चलती है। अब बोली जिसकी बोलोगे उसका राजपाट आएगा। अब टीवी कह रही है बोली बोलो, अखबार कह रहा है बोली बोलो। अब टीवी अखबार किसकी बोली बोलता है? उसका मालिक जैसा कहता है वैसा बोली टीवी अखबार बोलता है, और उस टीवी अखबार को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, वही बोली हम भी बोलने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि हमें अपनी बोली का पता ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो बात टीवी और अखबार के द्वारा हमारे लोगों को नहीं बताई जा रही है, टीवी और अखबार के द्वारा हमारे लोगों से छुपाई जा रही है, वो बात हम लोगों को अपने लोगों के बीच में जाकर के समझाने और बताने की जरूरत है। इसलिए 1 जून से राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 वाराणसी से शुरू करने का काम किया। वाराणसी कबीर साहब की धरती है, वाराणसी रविदास साहब की धरती है, वाराणसी तथागत बुद्ध की धरती है। वाराणसी में तथागत बुद्ध ने अपना सबसे पहला संदेश 5 लोगों को दिया था और वो संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। हम लोगों ने भी वाराणसी से यात्रा शुरू किया है, तो हम लोगों का भी यकीन और विश्वास है कि ये जो हमारा संदेश है, ये संदेश भी पूरे भारत के एक एक बहुजन समाज के आदमी तक पहुंचेगा। इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, देश की आजादी के 75 साल हमारी गिनती नहीं हुई। हमारे बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमारी गिनती नहीं होती। जानवरों की होती है, कुत्तों की होती है, मगर हमारी नहीं होती, तो हमारी क्यों नहीं होती? जब मैं ऐसा बोलता हूं तो कुछ ओबीसी के लोग हमें कहते हैं पटेल जी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अरे जानवरों की कहते हो, कुत्तों की कहते हो, तो ज्यादा हो जाता है। हमने कहा ज्यादा होने से क्या होता है? कहा थोड़ा बड़ा दुख होता है, दिल के अंदर बड़ा दुख होता है कि जो ओबीसी समाज है ये इतना गया गुजरा है कि ये जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी समाज की नहीं हो रही है। इतना ज्यादा गया गुजरा है, बड़ा दुख होता है। तो मैंने कहा दुख होने के लिए ही मैं बोलता, दुखी करना आपको मकसद नहीं है, जागृत करना मकसद है। कैसे? हमारे ओबीसी समाज के लोगों का जो दिमाग है वो धक्का मारो दिमाग है। धक्का मारो दिमाग का क्या मतलब है? जब आप कभी कभी अपने घर में गाड़ी खड़ी करके कहीं बाहर चले जाते हो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आते हो वापस, तो गाड़ी को सेल्फ लगाते हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। क्यों स्टार्ट नहीं होती? क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। और फिर आप क्या करते हो, 2-4 नौजवान लड़कों को बुलाते हो और उनको कहते हो थोड़ा पीछे से धक्का मार। तो 2-4 नौजवान लड़के आपकी गाड़ी को पीछे से धक्का मारते हैं, फिर वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, फिर गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने का जो सिस्टम है वो गाड़ी में ही है, गाड़ी चलती रहती है, बैटरी चार्ज होती है। जैसे गाड़ी खड़ी होने की वजह से धक्का मारो हो जाती, वैसे ओबीसी का दिमाग बहुत दिन से अपने हक अधिकार के बारे में नहीं सोच रहा है। वो जो फोगा पंडितों द्वारा जो दिमाग खराब किया गया है वही सोच रहा है, तो उसकी भी दिमाग की गाड़ी रुक गई है, डिस्चार्ज हो गई है अपने हक अधिकार के बारे में सोचने के लिए। तो उसको भी अगर स्टार्ट करना है तो धक्का लगाना पड़ता है। तो धक्का लगता है जब ये कहा जाता है जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है, तो ओबीसी को धक्का लगता है और उसके दिमाग की गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। हम लोग नारा लगाते हैं ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है। हमने कहा नारा ठीक है,
मगर थोड़ा कम ठीक है। कहा थोड़ा कम ठीक क्या है, हमने कहा ओबीसी शेर है यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, बस जागने की देर है इसमें थोड़ा हमको ऑब्जेक्शन है। कहा आपको क्या ऑब्जेक्शन है, हमने कहा रामायण में एक पात्र कुंभकर्ण हुआ करते थे, वो कुंभकर्ण जो रामायण में पात्र है उनके बारे में लिखा है कि वो 6 महीने तक सोते थे और 6 महीने बाद जग जाते थे, मतलब जगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो 6 महीने बाद जग जाते थे। मगर ओबीसी की कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कि ये 600 साल में जगेगा कि नहीं जगेगा। अब आप नारा लगा रहे हो ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है, तो 600 साल तक इंतजार करें क्या, और 600 साल में हम नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहे, और 600 साल बाद जग जाएगा इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो फिर आप तो नारा लगा रहे हो ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है, मगर वो देर कितनी हो जाएगी इसका कोई पता नहीं है। तो हमने कहा इसमें थोड़ा बदल लो, थोड़ा परिवर्तन कर लो। कहा क्या परिवर्तन कर ले, हमने कहा इसमें परिवर्तन कर लो कि ओबीसी शेर है बस जगाने की देर है, ओबीसी शेर है बस जगाने की देर है। जगाने की देर है मतलब जो नारा लगा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स हो जाएगी। जैसे चौधरी विकास पटेल पूरा दिन जगा रहा है, रोज रोज जगा रहा है, वैसे आप लोग भी रोज रोज जगाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाएगा कि अपने आप जागने वाला नहीं है, जगाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा समाज को, तब जगेगा, अपने आप नहीं जगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खुद जाग जाओ सब जग जाएंगे, इससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं, उनके विचार हो सकते हैं, क्योंकि अकेले बदलने से सारे बदल जाएंगे ये नहीं है। नहीं तो बड़े बड़े संत महापुरुष इतना कष्ट उठा करके गांव गांव नहीं घूमते, लोगों को जगाने का काम नहीं करते। अगर एक आदमी के बदलने से सब बदल जाएगा ये संभव नहीं है, खुद जगो और दूसरे को जगाओ। आप जग गए तो आपकी जिम्मेदारी हो गई, जो नहीं जगा है उसको जगाने का काम करो, तो जगाने का काम करना होगा, और जगाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार का अभियान आप लोगों को मऊ जिले के अंदर जितने गांव हैं, जितने ग्राम पंचायत हैं, जितने मोहल्ले हैं, उसके बीच में जा जा करके करना चाहिए। लोग आपके पास नहीं आने वाले हैं, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो ओबीसी जाग जाएगा, नहीं तो नारा ही लगाते रहेंगे ओबीसी शेर है जागने की देर है, और इंतजार करते रहेंगे और वो जगेगा नहीं। फिर एक दिन आप निराश हो जाएंगे, बोलेंगे बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं अभी तक नहीं जगा, पता नहीं कब जगेगा। तो इसलिए निराश होने वाला काम ही मत करो कि बाद में निराशा हाथ आए, जगाने का काम करो। अगर जगाएंगे तो जरूर जगेगा, जगाएंगे तो जरूर जगेगा। तो इसलिए साथियों ये परिवर्तन यात्रा हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। इस देश में जब अंग्रेज थे तो हमारे पूर्वजों को ये बात बताई गई, ये बात समझाई गई कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारे बाप दादा पूर्वजों ने क्या किया, अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया। अगर हमारे पूर्वज अंग्रेजों को खदेड़ने की लड़ाई में शामिल नहीं हुए होते तो आज जो लोग नागपुर से देशद्रोह और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को इस देश से खदेड़े। हमारे पूर्वजों की वजह से अंग्रेज ये देश छोड़कर गए। अगर हमारे पूर्वजों की वजह से अंग्रेज ये देश छोड़कर गए तो हमें मिलना चाहिए था आजादी, मगर आजादी के 75 साल में हमें क्या मिला, जानवरों की गिनती होगी मगर हमारी गिनती नहीं होगी। आजादी के 75 साल में हमें यह मिला, और आजादी के अमृतोत्सव का ताली बजाने में सबसे ज्यादा संख्या हमारे लोग, उन्हें पता ही नहीं 75 साल में हमारी तो गिनती नहीं हुई, जानवरों की हो रही। तो हमारे पूर्वजों को इस बात की उम्मीद थी, इस बात का विश्वास था कि जब अंग्रेज जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, इसलिए अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान आजादी के 75 साल में नहीं हुआ। 1947 में देश से अंग्रेज गए
तो हमारी वजह से गए, वरना 1857 भी लड़ा था इन लोगों, 1857 भी तो लड़ा था, नहीं जीत पाए, अकेले लड़ रहे थे। और 1947 क्यों जीत लिए? क्योंकि हमारे पूर्वज उसमें शामिल थे, इसलिए 1947 जीत लिए। तो हमारी वजह से अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए। जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, देश आजाद हो गया, तो सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, सबको सबका हक अधिकार मिलना चाहिए था। मगर वही व्यवस्था जो अंग्रेजों के पहले थी, मुगलों के पहले थी, कि हम ही सब मुट्ठी में रखेंगे 3.5% के लोग, आपको कुछ नहीं देंगे, वही व्यवस्था संविधान में सबका हक अधिकार लिखा होने के बावजूद भी वही व्यवस्था 75 साल से चलाने का काम किया जा रहा है। तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंग्रेज जब इस देश में थे तो वो जाति आधारित जनगणना करते थे, तो अंग्रेज चले गए तो कौन सी आफत आ गई जो जाति जनगणना बंद कर दिया गया? ऐसी कौन सी समस्या पैदा हो गई थी जो बंद कर दिया गया? अरे सबके डाटा आते, पता चलता किसकी क्या क्या हैसियत है, कितना विकास हुआ, तो उस हिसाब से आप योजना बनाते, और उस हिसाब से योजना बनाकर जिसका विकास कम हुआ उसका आप विकास करते, तो जाति जाति की लड़ाई देश में खत्म हो जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के पहले प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने जाति आधारित जनगणना को रोक दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि पंडित जी को क्या परेशानी थी, नेहरू जी को क्या परेशानी थी हमारी जनगणना से? तो परेशानी इसलिए हो गई कि जब कांग्रेस महासमिति में चुनाव हुआ और कांग्रेस महासमिति में यह तय किया गया कि इस बार जो अध्यक्ष का चुनाव जीतेगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। जब चुनाव हुआ तो सरदार पटेल चुनाव जीत गए, और जब सरदार पटेल चुनाव जीत गए तो गांधी जी ने अपनी ताकत का उपयोग किया, और ताकत का उपयोग करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया। लोगों ने बहुत सारा सवाल खड़ा किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने सवाल खड़ा किया कि गांधी जी ने नेहरू को क्यों चुना। गांधी जी को भी लोगों ने सवाल पूछा तो गांधी जी ने जवाब दिया, नेहरू 2 नंबर का पद लेने के लिए तैयार नहीं थे, 2 नंबर का पद, वो 1 नंबर का पद मतलब प्रधानमंत्री पद पर ही रहना चाहते थे। सवाल ये भी एक, आखिर नेहरू 2 नंबर पर क्यों नहीं रहना चाहते थे? जब चुनाव में सरदार पटेल जीते थे तो फिर नेहरू क्यों नहीं 2 नंबर पर रहना चाहते थे? वो इसलिए नहीं रहना चाहते थे कि वो सोचते थे जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में हम ब्राह्मण हैं। अब एक ब्राह्मण एक कुर्मी के नीचे कैसे रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कांग्रेस हमारे बाप दादा ने बनाई, चुनाव भले ये जीत गए लेकिन हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये कर्ज नेहरू ने किया। तो गांधी की कांग्रेस में चल गई, देश में चल जाती है। देश में अगर कोई दूसरा आदमी चुनाव जीत जाता और उसको कोई कहता कि आप हट जाओ इनको बना दो, चलती वो तो कांग्रेस के अंदर का चुनाव था तो गांधी की बात मान लिया। देश में तो ऐसा नहीं होता। तो पंडित नेहरू को लगा होगा कि कांग्रेस हमारे बाप दादा ने बनाई, हमारे पूर्वजों ने बनाई, हम कांग्रेस का चुनाव नहीं जीत पा रहे, कांग्रेस हमारे पूर्वजों ने बनाई, हम कांग्रेस का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, देश का चुनाव कैसे जीते? अगर जाति के आधार पर जनगणना होती रही और हर 10 साल में आंकड़े आते रहे, कैसे आंकड़े आते हर 10 साल में? हर 10 साल में आंकड़े आते, क्या आंकड़े आते? ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%। अब एक बार आंकड़ा आता, 2 बार आंकड़ा आता, 3 बार आंकड़ा आता, 4 बार आंकड़ा आता, अरे 3-4 बार में तो ओबीसी के दिमाग की बत्ती जल ही जाती कि ये 3.5% हम 52%, हम 52% वाले 3.5% के पीछे क्यों लगे हुए। और अगर ये दिमाग की बत्ती जल जाती तो देश पर ब्राह्मणों का कब्जा कैसे होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो होना है अगर तो जाति आधारित जनगणना बंद करना। तो नेहरू जी ने जाति आधारित जनगणना
सबसे पहले बंद। अब जब नेहरू जी ने बंद कर दिया तो इंदिरा जी क्यों करती? इंदिरा जी को यह साबित करना था कि मैं नेहरू जी की जायज बेटी हूं। तो जायज बेटी हो तो जब नेहरू जी ने बंद कर दिया तो हम क्यों शुरू करेंगे? तो उन्होंने भी शुरू नहीं किया। उन्होंने नहीं शुरू किया तो राजीव ने भी शुरू नहीं किया। मतलब जितने बार जनगणना हुई, जितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों ने जाति आधारित जनगणना नहीं होने दिया, जाति आधारित जनगणना को रोक कर रखा। क्योंकि जो बात नेहरू समझते थे वो बात दूसरे ब्राह्मण भी समझते थे, इसलिए उन्होंने नहीं होने दिया। हमारे ओबीसी के लोग कहते नहीं सारे नेता तो ठीक नहीं है, लेकिन अटल जी बहुत नंबर एक के नेता थे, उनसे बढ़िया नेता कोई हुआ नहीं। मगर जो बात नेहरू समझते थे वो बात अटल जी को भी समझ में आती थी कि अगर इनकी गिनती हो गई इनके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, और अगर इनके दिमाग की बत्ती जल जाएगी तो ये 3.5% के पीछे क्यों रहेंगे? ये 3.5% के पीछे नहीं रहेंगे तो 3.5% वाले की सरकार कैसे बनेगी? तो अटल जी को भी समझ में आता था, आपके प्रिय नेता को भी ये बात समझ में आती थी कि इनकी गिनती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण देश में राज नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया? अटल जी ने भी गिनती नहीं किया। जब जब जनगणना का समय आया कोई ना कोई ब्राह्मण ही प्रधानमंत्री रहा। 2011 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन सारे फैसले कौन लेता था? प्रणब मुखर्जी लेते थे। प्रणब मुखर्जी कौन थे? बंगाली ब्राह्मण थे। तो 2011 में भारत मुक्ति मोर्चा ने बहुत बड़ा बवाल करके देश भर में रखा था, और देश भर में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती, इसको लेकर 51,000 कार्यक्रम अकेले वामन मेश्राम साहब ने लिए और दूसरे कितने लिए उसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था और ये खबर जितने ओबीसी के नेता थे उन तक भी पहुंच गई थी कि जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। तो ओबीसी के नेताओं ने पार्लियामेंट बंद कर दिया, कहा जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते, नहीं चलने दे। तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, वो खड़े हुए पार्लियामेंट में और उन्होंने कहा हम गिनती करेंगे। प्रणब मुखर्जी ने गिनती पर रोक लगा दी, गिनती नहीं होने दिया। कांग्रेस के लोग अभी भी कहते हैं हमने किया था, झूठ बोलते। जब जवाहरलाल नेहरू ने सेंसस एक्ट में परिवर्तन कर दिया कि जाति आधारित गिनती नहीं होगी, जब तक सेंसस एक्ट में दोबारा परिवर्तन नहीं होगा कि अब जाति आधारित गिनती होगी, तब तक कैसे होगी? तो कांग्रेस ने क्या किया, नाम लिया जाति आधारित जनगणना का और किया सर्वे, और उस सर्वे की भी रिपोर्ट आज तक घोषित नहीं हुई। धोखा किया ओबीसी के साथ। और ये मुद्दा छोटा मोटा तो था नहीं, अगर इन्होंने धोखा किया तो लोगों को समझ में आ जाता धोखा किया। कहा मुद्दा गर्म है ठंडा करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। अब ठंडा करने के लिए क्या करे, तो इससे बड़ा मुद्दा लाए। तो इससे बड़ा मुद्दा क्या है? तो अन्ना हजारे को उठाया, कहां से उठाया? महाराष्ट्र से। और बाबा रामदेव को उठाया हरियाणा से। और अन्ना हजारे ने कहा देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जन लोकपाल आना चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा काला धन वापस आना चाहिए। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि 15-15 लाख सबके खाते में चले जाएंगे अगर आ जाएगा तो। तो हम लोग क्या समझा रहे थे, गिनती। और वो लोग क्या समझा रहे थे, 15 लाख। तो हमारे लोगों को क्या समझ में आया, 15 लाख।
गिनती समझ में ना आई, 15 लाख तो सबके खाते में आ गया, इसलिए लोग हंस रहे हैं, खाते में आ गया होगा। गिनती समझ में नहीं आई क्योंकि टीवी और अखबारों ने मिल करके आपका दिमाग खराब किया कि जल लोकपाल, जल लोकपाल, जल लोकपाल, जल लोकपाल, जल लोकपाल। 1 सितंबर 2011 को हम लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली लगाई थी। हम अपने लोगों को कह रहे थे चलो दिल्ली तुम्हारी गिनती का मामला है, तो हमारे लोग कह रहे थे पटेल जी अन्ना हजारे की जान बचाने का मामला है, बेचारा राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी धरती पर आया होगा, इसके बीच में कोई ईमानदार आदमी पैदा हुआ होगा लेकिन पता नहीं चला, ये पहला ईमानदार आदमी पता चला है राजा हरिश्चंद्र के बाद, ये भी मर जाएगा तो क्या होगा, वो कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा दिल्ली से नहीं जाऊंगा तब तक जब तक जन लोकपाल नहीं आ जाएगा तब तक। तो हमारे लोग जाति आधारित जनगणना की लड़ाई छोड़ दिए, और हमारे लोग कौन सी लड़ाई लड़ने लगे, तो हमारे लोग लड़ाई लड़ने लगे भ्रष्टाचार खत्म होना है, जन लोकपाल लाना। आपका मुद्दा उड़ गया इसलिए आपके साथ धोखाधड़ी हो गई, और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी आपकी गिनती नहीं हुई। हमारे लोगों को बार बार हमारे मुद्दे से भटकाया जाता। अभी जब जाति जनगणना की बात होती है टीवी वाले दिखाते नहीं है, मगर कभी कभी कोई बड़ा नेता जब बोल देता है तो दिखाना मजबूरी हो जाता है, फिर क्या कहते हैं ये जातिवादी लोग, ये इससे जातिवाद बढ़ जाए। अच्छा जितना बढ़ गया है इससे बढ़कर कहां जाए, जितना बढ़ा है इतना कम बढ़ा है, इससे बढ़कर कहां जाएगा। पार्टी टिकट देती है तो जाति देखकर, आदमी लड़के लड़की की शादी करता है तो जाति देखकर, हर काम करता है जाति देखकर, वोट देता है जाति देखकर, अब इससे ज्यादा कहां बढ़ेगा, इससे ज्यादा बढ़कर कहां जाएगा। जाति जाति के नाम पर भारत में दंगे नहीं होते, धर्म धर्म के नाम पर दंगे होते, लेकिन धर्म धर्म की गिनती होती है, जाति जाति की गिनती क्यों नहीं होती। तो ये बढ़ने और घटने का मामला नहीं है, मामला कुछ और है। अगर आपके आंकड़े आ जाएंगे तो आप दूसरे के पिछलग्गू नहीं रहोगे, और आप कहोगे कि हम ही ज्यादा, हम देख लेंगे लोकतंत्र में, ऐसा थोड़े एक हम वोट डालेंगे तो एक गिना जाएगा, भागवत जी डालेंगे तो 10 गिना जाएगा, अरे हमारा भी एक गिना जाएगा और भागवत जी का, पांडे जी का, दुबे जी का भी एक ही गिना जाएगा। तो जब हम संख्या में ज्यादा है तो गांव से लेकर दिल्ली तक हमारी सरकार हो, ऐसा कब सोचेगा, जब गिनती के आंकड़े आए, आंकड़े ही नहीं आए तो सोचेगा कैसे, इसलिए रोक कर रखा है। ये सरकार क्या कह रही, सबका साथ सबका विकास, अपने लोग बहुत समझदार हैं, कोई कमी नहीं है समझदारी में, समझ गए पहले साथ देना पड़ता है बाद में विकास होता है, पहले साथ देंगे तब विकास होगा। तो साथ दे दिया 2014 में, क्योंकि मोदी जी ने कहा मैं तो चाय बेचने वाला, मैं ओबीसी हूं इसलिए मेरा अपमान होता है, पिछड़ी जाति का हूं। ओबीसी के लोगों ने कहा एक तो बेचारा चाय बेचने वाला गरीब और ऊपर से पिछड़ी जाति, इसका अपमान होगा ही, क्योंकि हमारे लोगों का रोज अपमान होता रहता है, तो हमारे लोग पास अनुभव है अपमान होने का, और हमारे लोग समझते हैं कि जरूर अपमान हुआ होगा मोदी जी का। तो हमारे लोगों ने कहा अगर इनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, अपना अपमान का भी बदला ले लेंगे और समाज के अपमान का भी बदला ले लेंगे, और फिर समाज के साथ अपमान नहीं होगा। तो हमारे लोगों ने 2014 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना, फिर 2019 का इलेक्शन आया फिर बना दिया। हमने कहा दोबारा क्यों बना रहे हो, कहा बेचारा 5 साल में क्या करे, कहा बेचारा 5 साल में क्या करेगा, अरे इतना दिन से खराब हुआ है तो 5 साल में बेचारा क्या करेगा। हमने कहा बात तो तुम्हारी ठीक ही है, बेचारा 5 साल में अभी ज्यादा नहीं कर पाया है,
अभी इतना ही कर पाया 5 साल में कि तुम्हारे 314 ओबीसी के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति रोक दिया, इतना तो कर पाया बेचारा 5 साल। जो आईएएस बनते उनकी नियुक्ति रोक दिया बेचारे ने 5 साल में, इतना किया 2015 में। फिर ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, ये भी किया बेचारे ने 5 साल में। फिर ओबीसी को बजट में कुछ नहीं दिया, ये भी किया बेचारे ने 5 साल में। फिर जानवरों की गिनती किया, तुम्हारी नहीं किया, ये भी किया बेचारे ने 5 साल में। मगर इतना तुमको पर्याप्त नहीं लगता है? ठीक है, तो लोगों ने 2019 में ये कहकर कि बेचारा 5 साल में क्या करे, ये कहकर फिर से जिता दिया, फिर से वोट दे दिया। और फिर से वोट दे दिया तो बेचारे ने कहा अच्छा फिर से दे दिया, मतलब अभी कम किया था आपने, अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा। मगर मेरा मन ऐसा नहीं, मेरा मन कह रहा है देश नहीं बचने दूंगा। तो मन की सुनो कि जो पहले कहा था वो सुनो। मन ये है कि अडानी जी हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं, तो देश में जितनी सरकारी प्रॉपर्टी है वो अडानी जी को जानी चाहिए। तो बेचारा अब एक एक करके सारी चीज अडानी जी को दे रहा है, तो अभी हमारे लोगों को तसल्ली लग रही है बेचारा बहुत मेहनत कर दिया, अब इसको थोड़ा छुट्टी देना चाहिए। तो अभी लोग मन बना रहे हैं कि बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, एक एक चीज अडानी को दे रहा है। आने वाले समय में भारत के अंदर भारत कहाँ है ये खोजना पड़ सकता है। अरे 3 कानून आ गए होते ना तो ये बाग में बैठकर सभा कर रहे हैं, ये भी करने लायक, ये भी कोई कंपनी ले लेती, खेत भी ले लेती कोई कंपनी, और जहां कंपनी लग जाती वहां गांव रहता है। अरे उजाड़ के भगा देते हैं, जहां कंपनी रहने लग जाती वहां गांव नहीं रहता, वहां से भगा देते, तो गांव से भी भागना पड़ा। तो इसलिए अब कुछ लोगों को लग रहा है नहीं बेचारा ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो इसलिए कुछ लोग आराम देने के मूड में हैं अगले इलेक्शन में। लेकिन अभी सब नहीं समझ पाए कि बेचारा इतनी मेहनत कर दिया है कि हम ही खत्म हो जाएं। अब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, जो सरकारी था वो सब प्राइवेट हो जाएगा, जो सरकारी वो सब प्राइवेट हो जाएगा। तो यहां जितने लोग बैठे हैं जिनकी नौकरी पाने की उम्र है वो सोच रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिले, और जिनकी उम्र निकल गई वो सोच रहे हैं हमें भले ना मिले मिली हो लेकिन हमारे बेटा बेटी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अरे जब सरकारी होगा तब सरकारी नौकरी होगी, जब सरकारी नौकरी होगी तब सरकारी नौकरी मिलेगी, जब सरकारी नहीं होगा तो सरकारी नौकरी नहीं होगी, सरकारी नौकरी नहीं होगी तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सब कुछ अगर प्राइवेट हो जाएगा इलाज करा पाओगे, बच्चों को पढ़ा पाओगे? वकालत भी तो सबसे ज्यादा करते हैं प्राइवेट। तो देश में ये हो रहा है, अभी बेचारा और मेहनत कर रहा है क्योंकि आपने दोबारा मौका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया हम नहीं कर सकते इनकी गिनती, आपको 52 नहीं दिया उनको 10% दे दिया जिनका 80 पहले से। आप मांग रहे हो कि आपको 52 चाहिए क्योंकि आप 52% हो, वो भी कितनी ईमानदारी से मांग रहे हो, 1931 में 52 थे वही मांग रहे हैं। अरे आज के हिसाब से तो मांग भी नहीं रहे, नहीं तो 60 से ऊपर मांगना पड़ेगा। 1931 में 52 थे वही मांग रहे हैं लेकिन वो भी नहीं दिया बेचारे ने। बेचारे को दया आ गई उनके गरीबों के ऊपर जिनका 80% पहले से कब्जा है, और दया करके उनको 10% और। हमारे बैकवर्ड क्लास के बहुत सारे पढ़े लिखे नेता पार्लियामेंट में, इस बिल पर चर्चा हो रही थी सवर्ण आरक्षण पर, तो हमारे बैकवर्ड क्लास के बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े नेता खड़े हुए और उन्होंने भाषण करना शुरू किया। मैं टीवी डिबेट देख रहा था,
मैंने कहा आज तो ओबीसी समाज के नेताओं का जमीर ही जग गया है। उन्होंने शुरू किया, महोदय ओबीसी की संख्या इतनी है, इसको इतना ही मिलता है, ये धोखा हो गया, ये धोखा हो गया, ये धोखा हो गया, ये धोखा हो गया। हमने कहा आज तो ओबीसी को 52% मिलकर ही रहेगा, क्योंकि बहुत बोल रहे हैं नेता। और लास्ट में नेताओं ने क्या कहा, महोदय हम इस बिल का समर्थन करते हैं। ये नहीं कहा कि महोदय अध्यक्ष जी हम 10% इनका समर्थन कर सकते हैं। अगर आज ही ओबीसी का भी 52% का बिल लाया जाए, हमें 52% दिया जाए, तो हम इनको भी 10% देने के लिए समर्थन कर सकते हैं। अगर हमें नहीं दिया जाएगा तो इनका भी हम समर्थन नहीं कर, अगर इतना कह देते मामला फंस जाता और हमें भी हमारे हक अधिकार मिलते, मगर इतना हमारे नेताओं ने नहीं कहा। हमारे कुछ नेता कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बना दो तो हम जाति आधारित जनगणना कर दें। पता नहीं कौन सलाहकार है उनके, मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे ये जनगणना राज्य सरकार का विषय नहीं है संविधान के अनुसार, जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, राज्य सरकार का नहीं है। राज्य सरकार जनगणना नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी बिहार में जनगणना नहीं कर रहे, सर्वे कर रहे। उन्होंने खुद ही कहा जनगणना तो केंद्र को करना है, हम तो सर्वे कर रहे। और जब पंडित जी लोगों ने देखा कि सर्वे नीतीश कुमार जी इतना बढ़िया कर रहे हैं कि जनगणना जैसा ही आंकड़ा उसमें आ जाएगा, तो फिर कोर्ट चले गए और कोर्ट जाकर के जनगणना को, सर्वे को भी रुकवाने का काम किया। तो हमें समझने की जरूरत है, हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हम कैसे समझें। हमें तो लगातार 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 हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ बताया ही। हमारे पूरे मुद्दे का, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो आप इसको मार्केट में खरीदने जाओ और उसको कहो हम इसे 200 में खरीदेंगे, वो क्या बोले, इसका रेट इतना है, आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना है वापस जाओ। मतलब क्या है, आप जब कोई चीज खरीदने जा रहे हो तो क्या कह रहे हो, कितने में दोगे। माचिस की डिबिया भी खरीदने जाते हो तो उसपे जो रेट लिखा है उतना देते हो ना। साबुन भी खरीदने जाते हो तो उसपे जितना रेट लिखा है उतना देते हो ना। वो रेट क्या है, एमआरपी है। एमआरपी क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतने में इसको बेचा जा सकता, उससे ज्यादा में नहीं बेचा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा जितने में बेचा जा सकता है उतने में आपको सामान मिल रहा है। लेकिन जब आप गेहूं खर बेचने जाते हो, धान बेचने जाते हो, तब आप खरीदने वाले को पूछते हो कि कितने में खरीदोगे। अरे क्यों भाई, जब आप खरीदने जाते हो तो पूछते हो कितने में बेचोगे, तो जब आप बेचते हो तो अगले को पूछना चाहिए कितने में बेचोगे, लेकिन आप ही पूछते हो कितने में हमारा खरीदोगे। ये कैसे उल्टा हो रहा, या तो बेचने वाला ही दाम तय कर ले या तो खरीदने वाला ही दाम तय कर ले। लेकिन हमारे लिए खरीदने वाला दाम तय करता हमारे सामान के लिए, और पूंजीपति के सामान के लिए पूंजीपति अपने सामान का दाम तय करता है। ये उल्टी गंगा 75 साल से बह रहे। किसान क्या कह रहे, किसान ये नहीं कह रहे हैं कि भैया हमको रेट तय करने का अधिकार है। किसान ये कह रहे हैं हुजूर आप ही तय कर दो कितने में हमारा धान ले लो, कितने में हमारा गेहूं, आप ही तय करके बता दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अरे न्यूनतम है तो समर्थन कहां है, न्यूनतम में कोई समर्थन होता है। अरे जब सबसे कम से कम दे ही रहे हो तो समर्थन कहां है। अरे न्यूनतम जितना बनता है उसके ऊपर कुछ दो तब समर्थन उसको बोलते हैं। अगर न्यूनतम ही दे रहे हो तो समर्थन कहां है। वो भी सरकार देने के लिए तैयार। एक बच्चा आपका है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता, एक बच्चा इसमें से कुछ लोगों का होगा जो गांव के छोटे मोटे नर्सरी स्कूल में पढ़ता है,
एक बच्चा वो होगा जो जिले का कोई माना जाना स्कूल है उसमें पढ़ता हो, और एक बच्चा वो है जो दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे बड़े स्कूलों में पढ़ता है। कितने प्रकार के स्कूल होंगे? एक सरकारी प्राइमरी स्कूल, एक कॉन्वेंट स्कूल, एक जिले के माने जाने कॉन्वेंट स्कूल, और एक लखनऊ दिल्ली में बने बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल, जिसमें गार्जियन को भी पूछा जाता क्या करते हो, मजदूरी करता, नहीं नहीं तुम्हारे बेटे को मजदूरी करता हूँ, नहीं नहीं तुम्हारे बेटे को एंट्री नहीं है किसानी, नहीं 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 बाप बाप तुम्हारे बेटे को एंट्री। अब प्राइमरी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है तो वहां पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ मिलता है, खिचड़ी भी मिलता है, वजीफा भी मिलता है, ड्रेस भी मिलता है, पढ़ाई छोड़कर सब मिले। और मास्टर कितने? दो। क्लास कितना? पांच। अब सरकार कितना चलाक है, अपनी नाकामी को ठीकरा मास्टर के ऊपर फोड़ रही है। सरकार कितना चालाक है, पढ़ा नहीं पा रही बच्चों को और नाकामी का ठीकरा मास्टर के, हमारे लोग भी, अरे इतना वेतन मास्टर पाते हैं पढ़ाते लिखाते नहीं। अच्छा छोटा सा छोटा नर्सरी स्कूल होगा तो जितने क्लास है उतने मास्टर हैं कि नहीं? छोटा सा छोटा नर्सरी स्कूल होगा, जितने क्लास है उतने मास्टर हैं कि नहीं? तो जो सरकारी स्कूल है उसमें अगर पांच क्लास है, मास्टर कितने? दो। क्लास पांच, मास्टर दो। पढ़ाएंगे एक जानवर के तरीके से दोप के रखेंगे। अरे क्लास पांच है मास्टर दो है, कैसे पढ़ाएंगे पांच क्लास? फिर बिल्डिंग बनवाने का काम भी मास्टर को करना, बिल्डिंग बनवाने की कोई ट्रेनिंग मास्टर के पास नहीं है मगर बनवाना है उसे। खाना बनवाने की कोई ट्रेनिंग मास्टर के पास नहीं है मगर बनवाना है। खिचड़ी में पानी ज्यादा हो गया तो कार्यवाही मास्टर पर निश्चित है। पढ़ाई में लड़के को अपना नाम भी लिखना ना आए तो उसके लिए कार्यवाही निश्चित नहीं है। फिर उसके बाद मोबाइल मास्टर की, काम सरकार का, दिन रात पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग चलती है, मुझे तो मास्टर लोग बताते रहते हैं, मैं तो सुनकर हैरान रहता है। मोबाइल मास्टर की, काम सरकार का। फिर इतना ही नहीं, घर घर जाकर सर्वे भी करना, अभी चल रहा है, अभी छुट्टी में भी चल रहा है, सर्वे भी करना है। अब फिर सर्वे कर लिया, मास्टर के घर में कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल का उतना जानकार नहीं है तो ऑनलाइन सेंटर पर जाना है। काम सरकार का, पैसा मास्टर का। तो ये सब चल रहा है, इसके अलावा जनगणना, मतगणना, वोट डलवाना, ये सब दुनिया भर के काम मास्टर के पास। मास्टर के पास पढ़ाने को छोड़कर हर काम पर शक्ति है। अभी कुछ मास्टरों ने हमको बताया कि पढ़ाने में भी सरकार ने लिमिट निर्धारित कर दिया, कहा इतने से ज्यादा पढ़ाओगे तो कार्रवाई कर दें। मतलब हम लोग क्या करें, पढ़ा नहीं रहे, सरकार क्या करे, ज्यादा मत पढ़ाना नहीं तो कार्रवाई कर देंगे, इतना ही पढ़ाना जितना हम बता रहे हैं। अब प्राइमरी वाला नौकरी बचाने के लिए इतना पढ़ाएगा, कॉन्वेंट वाला ढेर सारा पढ़ाएगा, तो क्या सबका पर्चा अलग अलग आएगा? जब कंपटीशन होगा तो प्राइमरी वाले का पर्चा अलग, गांव के कॉन्वेंट वाले का पर्चा अलग, जिले के कॉन्वेंट वाले का पर्चा अलग, और दिल्ली पब्लिक वाले का पर्चा अलग आएगा। अरे कंपटीशन का पर्चा तो सबका एक ही आएगा, तो आपको पिछाड़ने का कार्यक्रम तो चल ही रहा है। आपकी आंख खुले तो ठीक है, ना खुले तो भी ठीक है। वो राशन दे रहे हैं, राशन का गुणगान करते रहो, आप भी राशन पर, आपका बेटा भी राशन पर, उसका बेटा भी राशन पर, उसका बेटा भी राशन पर, उसका बेटा भी राशन। बाबा साहब ने कहा हमें शासन करती जमात बनना है, और हमारे लोगों ने कहा हमें राशन लेती जमात रहना है। बाबा साहब ने कहा शासन करती जमात बनना है, और हमारे लोगों को वो लोग क्या बता रहे, नहीं राशन लेती जमात रहना, तुमको शासन तो हम करेंगे, तुम राशन लेती जमात बने रहो। तो हमारे लोग राशन लेती जमात बने रहने में खुश हो रहे, उनको नहीं लगता कि उनका लड़का भी मास्टर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, वकील होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए, उनको नहीं लगता है, क्योंकि उनकी सोच
नीचे लेवल तक पहुंचाई जा रही है कि रोटी के आगे कुछ मत सोचना, केवल रोटी तक सोचो। बाबा साहब ने उस समय कहा जब लोग मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे, कहा मरे जानवरों का मांस मत खाओ। क्यों कहा? सोच ऊपर उठाना चाहते। कहा लिख लो अपनी दीवारों पर, शासक है हम इस देश के। कब कहा? जब बहुत सारे लोग पास दीवाले नहीं थे। क्यों कहा? सोच ऊपर उठाना चाहते। और आज जो लोग कह रहे हैं कि कोई कुछ दे रहा है क्या, ये तो राशन दे रही है, नमक खिला रही है, बाबा साहब ने आपकी सोच को ऊपर किया और ये लोग आपकी सोच को फिर वहीं ले जा रहे हैं, पेट तक फिर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये तय करना होगा समाज के लोगों को कि वो हमारे हितैषी है या हमारे विरोधी है, ये तय करना होगा। और ये जो राशन मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी बिल जो आया, ये तो बाबा साहब ने संविधान में लिखा ना। क्या लिखा पता नहीं, हर आदमी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो गरिमापूर्ण जीवन कैसे जाए? पेट में रोटी नहीं जाएगी, गरिमापूर्ण जीवन कैसे जिए? 75 साल से सरकार चलाने वालों की नालायकी है कि यहां के लोगों की इनकम इतना नहीं बढ़ा पाए कि वो 2 जून की रोटी खा ले, इसलिए तो राशन देना पड़ रहा है। अगर इतनी इनकम हर आदमी की हो जाती कि वो अपने पेट की रोटी की व्यवस्था खुद कर सकता है तो राशन देने की क्या जरूरत थी। और इसलिए फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस ने लाया, वो भी कांग्रेस ने लाया, अब बीजेपी राशन दे रही। तो ये सारी जानकारी हमारे लोगों के पास नहीं है और इसकी वजह से हमारे लोगों की समस्याएं हैं। हमारे लोगों को हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू ओबीसी के लोगों का तो दिमाग ही हिंदू मुसलमान पे खराब करके रखा। ओबीसी के घर में ब्राह्मण को आने में कोई रोक टोक तो है नहीं, क्योंकि जन्म से लेकर मरने के बाद तक का कोई काम हमारा बगैर ब्राह्मण के तो होता नहीं। बच्चा पैदा भी कर लेंगे तो नाम पंडित से ही पूछ कर रखना, पढ़ा लिखा कर MBBS बना दिया, शादी पंडित से पूछ कर करना है। घर बनाया, माँ बाप को भी नहीं घुसने देंगे पहले, ब्राह्मण को एंट्री दे। और ये करते करते ऊपर चले जाएंगे तो ये पूरी विरासत बेटे को सौंप कर जाएंगे, जब वो मर जाएंगे तो बेटा पंडित के पास जाएगा, पूछेगा पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई। अब पंडित कह दे कि शांति मिल गई, पैसा कहां से आएगा? कहां भटक रही है? अच्छा भटक रही है तो क्या करना होगा, तो क्या करना होगा? हंसुआ, खुरपा, खुरपी कुछ सर के पास रखे सोना, नहीं तो पिताजी की आत्मा आ जाएगी, गला रात में दबा देगी। इतना हमारे लोगों को अकल नहीं है, जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए हमको अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमको पहनाए, खुद कष्ट उठाए कि हम पढ़ लिख कर अच्छे आदमी हो जाएं, उन पिताजी की आत्मा हमारा गला दबाने क्यों आएगी? अरे उस आत्मा में इतनी ताकत होती तो हमारे दुश्मन का गला दबा देती, हमारा गला क्यों दबाती? अगर खुरपा, हंसिया, हथौड़ा लेकर सोने की जरूरत है तो हमारे दुश्मन को है, हमें क्या जरूरत है? इतना भी है? और फिर कहा इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो 11 ब्राह्मण को खिलाओ, 21 ब्राह्मण को खिलाओ, 51 ब्राह्मण को खिलाओ, 101 ब्राह्मण को खिलाओ, 501 ब्राह्मण को खिलाओ, कभी कभी इतने ब्राह्मण को खिलाओ कि उतने ब्राह्मण इलाके में मिलते ही नहीं। हमारा आदमी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता, फिर पुरोहित को फोन करता है, पुरोहित जी इतने ही मिले हैं, इतने नहीं मिल रहे। पुरोहित कहता जजमान दक्षिणा की व्यवस्था रखो, पंडित की व्यवस्था हम कर दें। फिर हर साल पितरपक्ष में खिलाते हैं कि पिताजी को मिलेगा, खा खा के मोटा पंडित जी होते हैं और हमारे लोग लगता पिताजी मोटे। तो कोई लिमिट तो है नहीं मूर्ख बनने की, अनलिमिटेड मूर्ख हमारे लोग बन रहे। जब बनने की लिमिट नहीं है, बनने में हमारा कोई फायदा नहीं है। जो मूर्ख बना रहे उनका तो फायदा है, वो क्यों बंद करेंगे? उनको तो मिलता है, वो क्यों बंद करें? जब बनने वाले नहीं बंद कर रहे हैं तो मूर्ख बनाने वाले क्यों बंद करेंगे? तो इसलिए हमारे घरों में ब्राह्मणों का आना जाना लगातार ही रहता है। कोई काम पंडित के कथा भागवत के बगैर शुरू नहीं होता। शेड्यूल कास्ट के घर में जाने में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अछूत आदमी है तो वहां तो केवल चालाक ब्राह्मण जाते हैं, और वो वही जाते हैं जो दूर से बोलते जय भीम गौतम जी, गौतम जी
गरगज हो गए फूल के जैसे सुना जय भीम गौतम। अरे पंडित हो के जय भीम कर रहे, तो चारपाई वारपाई निकाले, नया वाला चद्दर ले आए, बिछाए उछाए, बीवी को कहा भाई पानी ले आ और चाय भी बना, पंडित जी आए। तो पंडित जी दिमाग ठीक करने थोड़े ही गए, अरे हमारे घर में ज्यादा आते हमारा ज्यादा खराब किया है, तो तुम्हारे घर में गए तो तुम्हारा ठीक थोड़े करेंगे, तुम्हारा भी खराब ही करेंगे, तो क्यों जाते जय भीम बोलने के लिए। गौतम जी सोचते भाई पंडित जी बदल गए, अरे बदल नहीं गए, प्रधानी में वोट नहीं देंगे तो वो पंडित जी की जमानत जब्त हो जाएगी, गौतम जी के लोग वोट देंगे तब पंडित जी जीतेंगे, अगर गौतम जी के लोग वोट नहीं देंगे तो पंडित जी की जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए जय भीम बोलते हो। बाद में पूछो पंडित जी आप अम्बेडकर को जय भीम, नहीं नहीं हम तो अपने महाभारत वाले भीम को कहते हैं, अम्बेडकर को थोड़े कहते हैं, हम तो अपने भीम को जय भीम कहते हैं, ये भी कहते हैं। तो हमारे घर में ज्यादा आते तो क्या कहते, एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाए, हमारा आदमी अगर सुन ले कि देश पर किसी का कब्जा हो जाए उसका तो खून ही खोल जाता है, क्योंकि देश से हमारा जुड़ाव है, क्योंकि ये देश हमारा है, हमारे पूर्वजों ने इसको विश्व गुरु बनाया, सोने की चिड़िया बनाया, तो ये देश हमारा है तो इससे हमारा लगाव है, मगर जो हमारा लगाव है, जो देश की प्रति हमारी भावनाएं हैं, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल पंडित जी लोग कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं पंडित जी लोग, और गलत तरीके से इस्तेमाल के लिए हमको मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं, 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा तो क्या करना होगा, सारे हिंदू को इकट्ठा होना। अच्छा चलो सारे हिंदू को इकट्ठा होना है तो चमार जी के पीछे इकट्ठा होना है, पासी जी के पीछे इकट्ठा होना है, चौहान जी के पीछे इकट्ठा होना है, निषाद जी के पीछे इकट्ठा होना है, यादव जी कह रहे नहीं नहीं ये तो पंडित जी के पीछे ही हिंदू इकट्ठा हो। तो जो पंडित जी 3.5 थे गांव में, उनके पीछे 52% ओबीसी जुड़ गया, वो कितने हो गए, 55.5 हो गए, 55.5 हो गए तो बहुमत में हो गए कि नहीं हो गए, और फिर वो तय करते हैं गांव का प्रधान कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, फिर हमारे लोगों की कुटाई पिटाई होती है, फिर हमारे लोग चिल्लाते हैं, देखो हमारे लोग कितना ज्ञानी है आपको बता देते हैं, इतना ज्ञानी है हमारे लोग कि जब पंडित जी लोगों ने समझाया कि एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, तो हमारे लोगों को समझ में आ गया, और हमारे लोगों ने 200 साल बाद 400 साल बाद 500 साल बाद मुसलमानों का कब्जा नहीं होना चाहिए, इसलिए 75 साल से देश पर पंडित जी लोगों का कब्जा करवा कर रखे हुए हैं, इतना ज्ञानी है हमारे, मगर इतना ज्ञानी नहीं है कि मुसलमानों का तो 200 साल बाद संख्या बढ़ेगी, 400 साल बाद संख्या ज्यादा होगी, 500 साल बाद संख्या ज्यादा होगी, हमारी तो आज ही ज्यादा है, हम क्यों नहीं कब्जा कर लेते, इतना ज्ञान नहीं, अरे हम तो आज ही ज्यादा है, हम क्यों नहीं कब्जा कर लेते, नहीं मुसलमान को रोकना है इसलिए ब्राह्मण को देना है, 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना तब से लड़ रहे, ना हमको फायदा हुआ ना मुसलमान को फायदा हुआ, ना 5 साल की सरकार दिल्ली में मुसलमान की बनी ना हमारी बनी, 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर पंडित जी लोग और ऊंची जाति के लोग हैं, और लड़ाई हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पंडित जी लोगों का कब्जा है, लड़ाई हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, मीडिया में पंडित जी लोगों का कब्जा है, लड़ाई हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, देश में कल कारखानों उद्योग धंधों पर उनका कब्जा है, लड़ाई हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, अरे लड़ हम रहे हैं, फायदा हमारा होना चाहिए या मुसलमान का होना चाहिए, फायदा पंडित जी का हो रहा है, अरे दो आदमी लड़ते हैं, जो जीतता उसको फायदा होता, जो हारता उसको नुकसान होता, अरे 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, ना हमें फायदा हो रहा है ना मुसलमान को फायदा हो रहा है, फायदा पंडित जी को हो रहा है, अब तो समझना पड़ेगा कि देश में हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगाई जा रही है, और जो लगा रहे हैं उनको फायदा हो रहा है,
3.5% लोगों को जो ये लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 16 नवंबर 92 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया, ओबीसी के साथ धोखेबाजी हो गई, मगर पंडित जी लोगों ने ओबीसी को ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ने दिया, ओबीसी को ले गए अयोध्या में और 6 दिसंबर को 1992 को बाबरी मस्जिद गिरवा दिया। जब बाबरी मस्जिद गिरी तब हम हिंदू थे, तब विनय कटियार हिंदू थे, कल्याण सिंह हिंदू थे, उमा भारती हिंदू थी, प्रवीर तोगरिया हिंदू थे, रितंबरा हिंदू थी, तब जब मुसलमान से लड़ना था तब। और अब मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट बन रहा है, अब विनय कटियार का पता नहीं, उमा भारती का पता नहीं, कल्याण सिंह जब थे तो उनको भी नहीं लिया, रितंबरा का पता नहीं, तोगड़िया का पता नहीं, अब हिंदू नहीं, अब पंडित जी लोग ही हिंदू हैं। ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा तो 3 समय हम हिंदू होते हैं। जब मुसलमान से लड़ना हो तब बड़के वाले हिंदू, चंदा देना हो बड़के वाले हिंदू, वोट देना हो बड़के वाले हिंदू, और अधिकार की बात करें नहीं नहीं हम हिंदू नहीं है, फिर हम जातिवादी हो जाते, जैसे कहेंगे हमारी गिनती करो जितनी संख्या है हमको भी अधिकार दो, नहीं जातिवाद की बात मत करो, मतलब हमारे नाम पर हमारा समर्थन लेकर तुम ही अकेले खाते रहो, यही अगर हिंदू है तो हमारे लोगों को समझने की जरूरत, ये चल रहा है। और फिर इससे भी जो थोड़ा समझ गए वो दूसरे चक्कर व्यू में फंस जाते हैं, हर बिरादरी का एक नेता उसकी बिरादरी में जाता है और क्या कहता है, सारी बिरादरी आगे चली गई अपनी पीछे रह गई है, इसे आगे ले जाना है, बिरादरी वाला कहता है अरे अपनी ही पीछे रह गई, सब आगे चली गई, तब तो बहुत जरूरी है आगे ले जाना, तो आगे कैसे जाएगी, तो नेताजी आए हैं, नेताजी के पीछे बिरादरी को चलना, नेताजी के पीछे बिरादरी, बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, सोनिया गांधी के पीछे, राहुल गांधी के पीछे, और बिरादरी नेताजी के पीछे तो नेताजी का तो भला हो जाता है, नेताजी एमपी नहीं थे एमपी हो गए, एमएलए नहीं थे एमएलए हो गए, मिनिस्टर नहीं थे मिनिस्टर हो गए, नेताजी का कल्याण हो गया और समाज की गिनती तक नहीं हो रही है, समाज को उसका हक हिस्सा नहीं मिल रहा है और एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भाजपा वाले प्रचार करते हैं, अरे ये यादव ले गए, फलाने ले गए, धमाके, अरे गिनती क्यों नहीं करते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आजादी के 75 साल में किसको कितना मिला, तुम्हारी यूपी में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, गिनती कर लो पता चल जाएगा, लेकिन उनको पता है ये तो लड़ाने की बात है, सारी मलाई तो पंडित जी लोगों ने ही लिया है, अगर जाति आधारित गिनती हो गई तो इन सब को पता चल जाएगा किसी बैकवर्ड ने किसी बैकवर्ड का हिस्सा नहीं खाया बल्कि सबका हिस्सा पंडित जी लोगों ने खाया, तो इनकी लड़ाई बंद हो जाएगी, ये एकजुट हो जाएंगे और एकजुट हो जाएंगे केवल हक अधिकार ही नहीं ले लेंगे बल्कि देश की सत्ता और व्यवस्था पर भी इनका कब्जा हो जाएगा, इसलिए जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है। तो हम लोगों को इस बात को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और इस लड़ाई को मजबूत करने की जरूरत है। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं क्योंकि मुझे जाना है। अब यह लड़ाई कैसे मजबूत हो, इतनी सारी बातें मैंने आपको बताया तो निराश करने के लिए नहीं बताया कि आप निराश हो जाओ कि अब देश में कुछ नहीं हो रहा, चूंकि बहुत सारे लोग निराश करने के काम पर लगे हुए हैं, हम निराश करने के लिए नहीं आए, हम एक आशा और उम्मीद के साथ आए हैं कि इस देश में हमारी संख्या ज्यादा है, अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो दुनिया में बड़े से बड़े तानाशाह को भी वहां की जनता ने उतार कर नीचे पटकने का काम किया है, अभी जो यहां लोग राज कर रहे हैं वो दुनिया के तानाशाहों के मुकाबले उनकी कोई हैसियत है नहीं, लेकिन अगर हम लोग एकजुट हो जाए, अगर दिल्ली से लेकर गली तक का संगठन बना ले, अब दिल्ली से आपके जिले तक तो आ गया, आपके तहसील तक तो आ गया, आपके ब्लॉक तक तो आ गया, अब इसके नीचे न्याय पंचायत में, ग्राम पंचायत में, गांव में, मोहल्ले में इस कौन बनाएगा संगठन, ये आपको तय करना होगा। और आप सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं, 6 दिन अपने परिवार के लिए काम करो, 6 दिन अपनी रोजी रोटी के लिए काम करो और 1 दिन उतनी ही ईमानदारी के साथ समाज को जागृत करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए काम करो। अगर समाज को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम करोगे तो देश में जो संगठित शक्ति बनेगी, वो संगठित शक्ति के साथ जब हमारी लड़ाई होगी,
क्योंकि लोकतंत्र में जन ही ताकत है, जनता ही ताकत है, जन समर्थन ही ताकत है। वो जन समर्थन तैयार करने का काम करना होगा, संगठन बनाने का काम करना होगा। अगर वो काम आप करोगे तो उसके आधार पर जो लड़ाई होगी वो लड़ाई केवल हक अधिकार नहीं देगी बल्कि बोनस में सत्ता और संपत्ति भी इस समाज के लोगों को मिलेगी। इसलिए इस लड़ाई को साथियों आप लोग लड़ेंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।